गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और काफ़ी देर हो गई है। मैंने आज बहुत देर से व्लॉगिंग शुरू करी है। बज रहे हैं दोपहर के 1:30। तो मैंने आज नाश्ता चाय सब स्किप कर दिया क्योंकि मुझे सिस्टर इन लॉ के घर जाना पड़ा कुछ काम से। तो वहाँ से अभी वापस आए हैं और लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, इसलिए अब हम खाएँगे सीधा खाना। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज खाने में क्या है। खाना वाना हमारा हो चुका है और अब हम बैठे हैं फ्री होके। तो सोचा आप लोगों से कुछ दिल की बात की जाए। तो मैं यूं ही बैठी थी और सोच रही थी कि कभी कभी ज़िंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त आता है कि हम सब कुछ हार जाते हैं और हार मान जाते हैं और सब कुछ हारने की कगार पे होते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं दिल में ये आता है कि शायद शायद कोई उम्मीद, शायद कुछ रास्ता मिल जाए जिससे हम वापस से उठ के खड़े हो जाएं और सारी लाइफ फिर से बैलेंस हो जाए। इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी, क्योंकि डूबते को तिनके का भी सहारा काफ़ी होता है। बस ऐसा ही दिल में कुछ बातें आई तो आपसे शेयर कर रही हूँ कि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। रोज़ वीडियोस बनाना, रोज़ अपलोड करना, रोज़ एडिटिंग करना, सुबह 5:30 बजे तक जागना मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं और ये सब मुमकिन है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से। आप लोग साथ अपना यूं ही बरकरार रखिए हम लोगों के साथ। कभी कभी लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, या आज अच्छा नहीं हुआ, या अब नहीं करते, अब रहने देते, लेकिन फिर जब एक नज़र देखते हैं कि कुछ तो अचीव किया है, थोड़ा ही सही पर कुछ तो अचीव किया है, तो दिल कहता है नहीं अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र बाकी है। तो अपना लंबा सफ़र हम यूं ही बरकरार रखेंगे और यूं ही रोज़ वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। और अगर कभी वीडियो अपलोड ना हो तो साथ मत छोड़िएगा आप लोग। एक दिन गैप होगा, दो दिन गैप होगा, लेकिन उसके बाद वीडियो आएगी ज़रूर। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मुश्किलें तो आती रहती हैं, ज़िंदगी नाम ही मुश्किलों का है। जब तक ज़िंदगी में मुश्किलें ना हो जीने का मज़ा नहीं आता। तो चलिए इसी के साथ जाना है मुझे थोड़ा काम से, तो मैं जाती हूँ ना काम करने, बाहर जाना है मुझे। एक्चुअली घर के बाहर का कुछ काम है तो मैं वो निपटा के आती हूँ। मैं फ़ोन घर पे ही छोड़ के जाऊँगी इसलिए मैं वहाँ व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। तो काम अपना मैं कर लूँ, सारा काम मैं निपटा दूँ अपने बाहर का, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन स्टे ट्यून। तो जी फाइनली काम हो गया मेरा और हम आ गए हैं अपने घर वापस। बज रहे हैं 5:30, काफ़ी टाइम हो गया है और पापा भी आने वाले हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, थोड़ा सा आराम कर ले क्योंकि काफ़ी थकान सी महसूस हो रही है, और चाय बनाएंगे तब आपसे मिलेंगे।
चाय मैंने बना दी है और बना के दे दिए पापा को, क्योंकि मेरे चाय पीने का बिल्कुल ही मन नहीं था। और मैंने ले लिए हैं ये छोटी वाली नारंगी, हम खाएंगे इसको नमक मिर्ची के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं नारंगी खा लेती हूँ, उसके बाद बीच बीच में आपसे मिलती रहूँगी। टिल देन बने रहिए हमारे साथ। नारंगी वारंगी खा के हो गया टाइम, अब मेरा मन हो रहा थोड़ा सा कुछ चुटर पुटर खाने का, तो हम बनाएंगे मैगी। तो चलिए बनाते हैं मैगी। तो मैगी अच्छी बने तो इसलिए हम एकदम नाक तौल के एक कप पानी ही डालेंगे। बस अब इसको थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं, उसके बाद डालेंगे इसमें मैगी। इस तरह से करने से जितना भी मसाला चिपका होता है पैकिंग में वो सारा छूट जाता है। तो जब भी मैगी या पीट या कुछ भी बनाए और इस तरह से मसाला मिले तो पैकेट को पहले ऐसे जरूर करें। तो हमारी मैगी, वैसे मैगी नहीं है तो यिप्पी मेरी ज़्यादा फेवरेट है, जिसको मैगी पसंद हो आई एम सो सॉरी। तो ये हमारी यिप्पी बन रही है। वैसे मैं इसके मसाले के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ, और कभी कभी मैं तेल वाली बनाती हूँ, और जब कभी मेरा मन करेगा वो रेसिपी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी तो फिलहाल मैं ऐवी बना लेती हूँ। तो चलिए अब तक ये बन रही है, मिलते हैं आपको बनने के बाद। जी ये यिप्पी नूडल्स हमारे हो गए हैं रेडी, और मुझे इसके ऐसे लॉन्ग लॉन्ग नूडल्स पसंद है इसलिए मैं तोड़ती नहीं हूँ, काफ़ी लोग तोड़ देते हैं। तो चलिए इसको पहले खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स खाना वाना हमारा हो चुका है और अब हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में। हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम है सोने में, लेकिन फिर भी सोचा थोड़ा सोने से पहले आप लोगों से मिल लेते हैं एक बार। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था आप लोगों से बिल्कुल, और अभी थोड़ी सी बात हुई सिस्टर इन लॉ से वीडियो कॉल पे, तो बहुत अच्छा फील हुआ बात करके, काफी अच्छा लगा। और यहाँ पे लेटा हुआ है मेरा छोटा देवर, और ये वही व्हाइट टी शर्ट गाय है, ये वही व्हाइट टी शर्ट गाय है जिसको कि कोई कोई तो पूछ रहा था कमेंट में कि ये लड़का बहुत क्यूट लग रहा है। ये वही लड़का है जिसका नाम अली है और जो बहुत वाकई में क्यूट है ये अली। तो फिलहाल अब ये कैमरे में आना नहीं चाहता, किसी टाइम धोखे से तो इसको कैमरे में लेंगे और हम लोगों को जरूर दिखाएंगे, और जिसने ना देखा हो कि कैसा दिखता है वो बर्थडे वाले ब्लॉग में जाके देख सकता है ये। तो जिसको अच्छी तरह से देखना वो बर्थडे वाले ब्लॉग में जाके देख सकता है, इसमें उसमें पूरा दिखाएंगे। और ये तो आखिर मैं आ ही गया हूं। आ ही गया। सो फाइनली भाई आ चुका है, और कितना क्यूट लगता है ये बंदा, सबसे छोटे वाला देवल, सबसे छोटे लेकिन हाइट सबसे बड़े। तो आज का दिन तो बहुत ही लकी होगा, किसके लिए? व्यूअर्स के लिए। इनसे हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, अपने इंस्टा आईडी बताएंगे ये, वो कमेंट में पिन हो जाएगी अपने आप से। और हो कौन भैया बता देना हमें अगर हो सके कमेंट में। अगर आपको नंबर चाहिए है अली का, द क्यूटेस्ट गाय का, तो आप कमेंट में बताएं, कमेंट करें मेरी इस वीडियो पे। कमेंट करना जरूरी है, आपको एकदम पर्सनल में जाके नंबर देंगे हम आपको इनका। तो आगे आप अपना जो भी व्हाटएवर यू वांट, बाकी सब लोग कमेंट करो जितना हो सके कमेंट करते रहो, तो कमेंट पूरी छूट है। अब
इतनी बातें तो हो गई हैं, तो अब हम लोग लगे हाँ तैयारी कर लेते हैं सोने की, और यही इसी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ, इसी अच्छी माहौल के साथ हम लोग करेंगे अपना व्लॉग एंड। आज के लिए गुड नाइट, और टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ व्लॉग।